हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोहित अग्रवाल हियर एंड इन टुडेज एडु लाइफ अचीवर सीरीज वी हैव सीएमए ऑल इंडिया रैंक 13 विद अस भास्कर साधु खान। तो इस इंटरव्यू के अंदर सारे के सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर बात किए जाएंगे, लाइक व्हाट, लाइक हाउ डिड ही सिक्योर द रैंक, एट विच कंपनी इज ही करेंटली ट्रेनिंग फॉर द mandatory training that CMA Institute has prescribed. So what is his experience in the training and what are his learning experiences from MEPL and his tips to the students, his motivation to the students, how to study for CMA, how to secure rank and how to find proper training. This is also one of the major difficulties that nowadays training is something else, but finding training and getting placed is also a very big task. So all these will be discussed in great details in this video. Before we start with this video, I would request each and every one of you to share this video in all the WhatsApp groups and Telegram groups so that we can make sure that the CMA fraternity gets maximum benefit out of these videos. Okay. Welcome, Bhaskar. Thank you, sir. How are you? Well, sir. ठीक है, अभी तो जो pandemic चल रहा है उसमें And now I have undergo. I just undergoing my industrial training in Bengal Chemicals and Pharmaceutical Limited, a central government PSU. Yes. And it's a public sector undertaking, correct? Yes, sir. And one of the outlets, or what should I say, the place or the premises of Bengal Chemical is right beside my home also. Okay. Hi, there is forced outlet or store in Kolkata. Yes. Acha, now coming to the list of the questions that I have for you. Yes. First of all, what rank did you secure at your inter level? AIR 13. Coming to the next question, you told that you are currently placed in Bengal Chemical, which is a PSU, public sector undertaking. Tell us something about the experience that you are having during the training period. Is training worth it? कि बकवास रहता है? नहीं 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 सर, बकवास तो नहीं है. मैं यहाँ पे placed होने के बाद बहुत कुछ सीखा हूँ. सीखा हूँ मतलब theoretical knowledge तो पहले से ही था, और ये तो मेरा पहला experience है कोई practical काम करने का. तो बहुत कुछ सीखा हूँ, कैसे काम किया जाता है. या मैं तो हमारे यहाँ पे तो टैली ईआरपी में काम होता है, तो वहाँ पे उसका भी प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा है. और जीएसटी का भी थोड़ा बहुत काम किया हूँ मैंने, तो थियोरिटिकल नॉलेज तो ठीक है. हाँ सर, वर्क फ्रॉम होम के जा करके करना पड़ता है? नहीं नहीं, अभी सर जा करके ही हो रहा है. बीच में थोड़ा बहुत वर्क फ्रॉम होम भी किया था, लेकिन अभी तो हम लोगों का तो मेरा तो फैक्ट्री में पोस्टिंग है, तो वहाँ पे तो फैक्ट्री तो चलाना ही पड़ेगा. और इसलिए तो कहाँ पर मानिकतला, द ओल्डेस्ट फैक्ट्री ऑफ बंगाल केमिकल. हाँ, तो वही तो मेरे घर के बगल में, वही तो हम बोल रहे हैं. ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वाइफ ही तो मेरा पोस्टिंग है सर. तो मतलब सीखने को मिलता है, मतलब दोस हु थिंक दैट द ट्रेनिंग इज जस्ट अ दिखावा, बकवास, वी शुड टेक डमी, शुड नेवर टेक सो, राइट? नहीं सर, ऐसा नहीं है. अगर आप चाहो तो एकदम डिटैच रह के बस जा आके काम चलाना चाहते हो, वो भी हो जाएगा शायद. लेकिन अगर आपको सीखने का अगर आप सीखना चाहते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिले. So for all those who are thinking that training is useless, you are absolutely wrong. Training is worth it. You should complete your practical training in order to make sure that you get your academic skills mixed with the practical skills to become a very good professional. अच्छा भास्कर, और बताओ ट्रेनिंग मिला कैसे? मिला हम लोगों का जो इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है,
ईस्टर्न रीजन का जो वेबसाइट है वहां पे देखो वो मेरे को लोग सब पता है, ठीक है भास्कर तुम सोचोगे सर क्यों, सर तो ये सब में हम लोग के साथ ही थे तो सर क्यों पूछ रहे हैं, ताकि पूरा ऑडियंस को पता चल सके। हाँ, वो तो जो ईस्टर्न मैं तो मेरा तो ईस्टर्न रीजन से रजिस्ट्रेशन हुआ था, इसलिए मैं ईस्टर्न रीजन का जो वेबसाइट है वहाँ पे वो लोग प्लेस किए थे, ऐसा एडवर्टाइजमेंट प्लेस किए थे कि बंगाल केमिकल में अकाउंट्स ट्रेनी के लिए। उसके बाद मैंने वहाँ पे प्रॉपर वहाँ पे जैसा बोला गया था वहाँ पे ऐसे ही अप्लाई किया। उसके बाद मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, उसके बाद इंटरव्यू गया, उसके इंटरव्यू के बाद सिलेक्ट हो गया और मुझे तो मिल घर बैठे गया। अगर आप सोचेंगे कि कोई आ करके आपको उठा करके ले जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। आपको जो नहीं है कम से कम 15-20 जगह जो है अपना सीवी ड्रॉप करना चाहिए, ठीक है। आपके जो फैकल्टी है, अगर मैं हूं तो मेरे से बात करना चाहिए, फैकल्टी लोग से बात करना चाहिए, फिर जहां पर सीएमए इंस्टीट्यूट जहां पर आपने ट्रेनिंग वगैरह किया है इंस्टीट्यूट में जा करके, ठीक है, कंप्यूटर ट्रेनिंग वगैरह वहां पर लोगों से बात करना चाहिए, वेबसाइट्स वगैरह रेफर करना चाहिए सीएमए इंस्टीट्यूट का, आपको ट्रेनिंग 100% मिल जाएगा अगर आप ये सारा काम कर लेंगे तो। भास्कर बताओ कैसे रैंक कैसे आया, क्या करना चाहिए रैंक लाने के लिए, बहुत सारे बच्चे ये भी जानना चाहते हैं, उसी के लिए वीडियो देखने आए हैं। नहीं सर, रैंक लाने के लिए मैंने जो किया था, मैं तो यही बोल सकता हूँ कि जितना भी सारा ट्यूशन लिया था, ट्यूशन जब चलता था तब तो एक एक दिन में 3-4 ट्यूशन चलता था, और मेरा घर से ट्यूशन बहुत दूर था, इसलिए मुझे सुबह निकालना पड़ता था घर से 6:30 बजे, और घर आते आते 9-9:30 बज तो अब जाता। तो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस मिल रहा है, तो ये बहुत तो बहुत एक उन लोग के सर, लिए बून है, बून यस कि ट्रैवलिंग टाइम वगैरह सारा बच जा रहा है, आराम से चार क्लास बहुत, हम लोग देख रहे हैं। हाँ बहुत ज्यादा टाइम ट्रैवलिंग टाइम तो मेरा लगता था। ठीक है, अब हाँ अभी तो जो जिन लोगों का नहीं लग रहा है वो तो बहुत अच्छे है। उसके बिल्कुल, बाद जब हर दिन जब क्लास करने के बाद घर आते थे, तब तो जितना होता था पूरा हर दिन, सच बोले तो हर दिन नहीं देख पाते थे, एकदम टायर्ड होता हो जाते थे, बिल्कुल एग्जॉस्टेड बिल्कुल होते, लेकिन कोशिश करते थे कि हर दिन देख ले, जो भी जहाँ पे भी जो भी क्लास हुआ एक एक बार जस्ट देख ले। उसके बाद जब जब वीकेंड में जब जब भी छुट्टी मिलता था, लगभग नहीं मिलता था लेकिन जब भी मिलता था तब भी वो जो जो क्लास हुआ है हर हफ्ते में, तो उसको बस पढ़ते रहो या रिवीजन करते रहो, जो जो सर लोग होमवर्क कम रेगुलर ही देते रिवीजन थे। करते रहना है, करेक्ट, हाँ, ठीक, पढ़ाई के साथ साथ पढ़ते रहना है, बिल्कुल। आपने आपने मेरे ख्याल से एमईपीएल में हम लोग जो जो पढ़ाते हैं सभी लिया था, सब लिया था। हाँ सर, सब लिया बहुत बहुत था। धन्यवाद। रेगुलर रिवीजन करते चलना है। और भास्कर बोल रहे हैं कि अभी आप लोग को तो ज्यादा एडवांटेज है, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो तो ट्रैवलिंग टाइम भी बच रहा है, थकावट भी कम हो रहा है, तो आप लोग को तो और जो है मेहनत करना चाहिए। और उसके बाद तो जैसे ही सारा क्लास खत्म हो जाता है तो एग्जाम के आगे तो लगभग 3-3.5 महीना मिल ही जाता है। ऐसे ही रूटीन पूरा सेट करना चाहिए कि मिनिमम 2.5-3 महीना तो मिल ही जाए, और बिल्कुल जब वो टाइम मिल जाए तो उस टाइम में तो जैसे आपने बोला था कि पूरा प्रॉपर तरीके से हर सब्जेक्ट को 2 बार रिविजन करने के बाद MTP, RTP, और आप तो एग्जाम भी लेते थे, बहुत सारे टेस्ट भी लेते थे, हर बिल्कुल एक टेस्ट बिल्कुल। अब तो देना इन लोग के देना लिए बहुत प्रॉपर टेस्ट जरूरी। सीरीज भी जो है ना सीएमए वाले बच्चों के लिए प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी जो है वो मैं अनाउंस करने वाला हूँ 1-2 दिन में, कल परसों तक पूरा टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए अनाउंस हो जाएगा, हाँ, वो टेस्ट देना बहुत जरूरी है बहुत प्रॉपर जरूरी तरीके है, से, क्योंकि जब भी मैंडेटरी है। टेस्ट देते हैं तो इस बहाने रिवीजन भी हो जाता है अच्छे तरीके से। और टेस्ट देना मतलब ऐसे ही नहीं देना है, एकदम बिल्कुल ऐसे सोचना है कि यही फाइनल एग्जाम, ऐसे पढ़ के बस टेस्ट देते रहो। और वो लास्ट 3 महीने में सारा MTP, RTP और इंस्टीट्यूट का जो मैथ है वो बहुत जरूरी है हर एक बिल्कुल सब्जेक्ट में, क्योंकि बिल्कुल, हर एक चैप्टर का जो लास्ट में जो इंस्टीट्यूट का जो सेल टेस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर है वो रहता है, सॉल्व करके जाना चाहिए। हाँ, और सारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है उसके लिए भी सारा मैथ का, और 2 या 3 टर्म का, लास्ट 2 या 3 टर्म क्वेश्चन का पेपर्स, जो क्वेश्चन पेपर MTP, RTP अगर करोगे तो लगभग सभी को आ जाएगा। एब्सोल्युट, बहुत अच्छा एडवाइस दिया भास्कर तुमने। अब तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था एमईपीएल के अंदर? नहीं सर, MEPL के अंदर तो एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा तो आपसे कनेक्टेड थे, तो जब भी आप क्लास में आते थे या जब भी पढ़ाना शुरू करते थे अंदर से बहुत, क्या बोलूँ, बहुत मतलब इनकरेज हो जाते थे, और आप तो हर वक्त क्लास में मोटिवेट करते ही रहते थे, तो एक अलग सा माहौल था आपके MEPL के अंदर। और जितने भी स्टाफ वगैरह है या जितने भी भैया वो लोग है,
सब बहुत ही हेल्पफुल थे, कोई भी प्रॉब्लम होता था जाके उनको बोलते थे, वो कैसे ना कैसे आपको अरेंज, हम लोग को अरेंज तो करते थे। पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तभी बच्चा जो है वो मेरे ख्याल से पॉजिटिव रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा, पढ़ने के लिए उत्सुक रहेगा। ये हाँ सर, पूरा एनवायरनमेंट अगर ऐसे पॉजिटिव हो तभी तो इनकरेज मिलता है ना अच्छा करने के लिए। भास्कर, सीएमए कोर्स को लेकर के बहुत बार क्वेश्चन मार्क उठता है, बच्चे जो सीएमए कर रहे हैं उन लोग ही अपने आप से पूछते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, तो इसका आंसर आप सीएमए फ्रेटर्निटी को दे दो। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। मैंने जब भी शुरुआत करने के लिए सर्च वगैरह किया था, असल में क्या होता है जिन लोगों से पूछा जाता है या जिन लोगों से सजेशन हम लेते हैं, कुछ कुछ ऐसा भी नेगेटिव पर्सन होता है कि जो गलत तरीके से सजेस्ट कर देते हैं, या ऐसा तो बहुत लोग है यहाँ, बहुत लोग रहते हैं। हाँ, इसलिए मैंने अपने जितने भी दोस्त थे या बड़े बड़े भैया दीदी से पूछा था, वो लोग तो मुझे बहुत इनकरेज किए थे। और उसके बाद भी मैंने जब स्कोप देखा इंस्टीट्यूट का भी, मतलब स्टूडेंट लोगों का क्वालिफाई करने के बाद या इंटर देने के बाद भी, जितना भी जैसे भी स्कोप देखा उसके बाद, तो मुझे लगा कि ये बहुत सही है ये कोर्स। और अभी भी ऐसा ही लगता है कि क्वालिफाई करने के बाद तो ठीक है, देखते हैं अच्छे तरीके से करना है तो होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। तो मैं तो हमेशा हर जगह यही बोलता हूँ भाई, सीएमए इज अ हिडन गोल्ड माइन, इसको आप जो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करो। और जो कर रहा है, दो कारण है, या तो वो जान करके बदमाशी कर रहा है या फिर उसको पता ही नहीं है इस कोर्स के बारे में। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कह दिया। हाँ, पता नहीं है तो कुछ भी बोल देना, ऐसा कुछ है। और वो अपना गलती छुपाना चाहता है जो इंसान इसको अंडर एस्टिमेट करता है कोर्स को, क्योंकि उसको नहीं पता, तो वो उसको नहीं पता तो वो इस तरीके से दिखाता है कि मेरे को नहीं पता बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट, बट ही इज नॉट वर्थ इट अबाउट द कोर्स, ही इज नॉट वर्थ इट टू नो अबाउट द कोर्स, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, तो भाई आप अगर सीएमए कोर्स कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कोर्स है, अच्छे से करिए, शिद्दत के साथ करिए, ये कोर्स आपको बहुत कुछ लौटाएगा, ट्रस्ट में बहुत कुछ ये कोर्स आपको देगा। ओके भास्कर, एनी लास्ट मिनट सजेशन और वर्ड्स टू सीएमए फ्रेटर्निटी? नहीं सर, जो लोग, मैं तो बोलना चाहता हूँ कि जो लोग आ चुके हैं एकदम 100% देके, जो लोग कोर्स में आ चुके हैं 100% देके करना है तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। मुझे भी एकदम क्वालिफाई तो नहीं हो गया, लेकिन जितना भी जहां तक भी हुआ है मेरा तो मैं कभी डिस्करेज नहीं हुआ कि इस कोर्स में आके ऐसे फंस गया या ऐसा कुछ। बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगता है कि जब तक एकदम क्वालिफाई करने के बाद जॉब नहीं मिलता है तो एकदम पूरा पॉजिटिव एनर्जी से करना है, और जो लोग आना भी चाहते हैं छोड़ना नहीं है, हाँ छोड़ना नहीं, और जो लोग आना भी चाहते हैं तो उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ बहुत अच्छा कोर्स है, जो लोग आना चाहते हैं ऑफ कोर्स आ जाए, बिल्कुल सक्सेस तो जरूर मिलेगा। चलो विद दैट, हाँ भास्कर, यस यू आर सेइंग समथिंग सर, कोई भी चीज में अगर एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ 100% देके तो करो तो सक्सेस तो मिलता ही है, ऐसा तो कोई नहीं है कि आप अच्छे से करोगे और आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, सब कुछ बहुत बढ़िया बात, बढ़िया है। ओके, थैंक यू सो मच व्यूअर्स, विद दिस आज का एडी लाइफ अचीवर सेशन यहीं तक रहेगा। आप हमारे पुराने भी एडी लाइफ अचीवर के जो सेशंस है, करीबन मेरे ख्याल से हम लोगों ने ऐसा 9-10 सेशन कर लिया होगा, ठीक है, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 4 सबका इंटरव्यूज जो है वो रिकॉर्डेड है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर गाइडलाइंस। ओके, बाय बाय, थैंक यू, बाय।